का शव इस वक्त यहाँ पहुँच रहा है। आरोपी धनखड़ भी उसी शव वाहन में साथ आए हैं, जिसमें रतनलाल कटारिया जी व उनका परिवार शामिल है। इस दुख के अंदर मनीष ग्रोवर भी उनके साथ, और जिस प्रकार से ये सारा परिवार इस वक्त दुखी नज़र आ रहा है, समाज के अन्य लोग नज़र आ रहे हैं दुखी। निसंदेह रतनलाल कटारिया की जो डेथ है उसके कारण राजनीतिक रूप से अम्बाला की जनता को जितना दुख है, लोकसभा सीट के जितने यहाँ के कार्यकर्ता हैं उतने ही भाजपा के नेताओं को भी यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सारे दुखी मन से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और रतनलाल कटारिया पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंत्योष्टि की जा रही है, और रतनलाल कटारिया को हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो भी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। इनके अलावा हरियाणा के परिवहन मंत्री रहे हैं, पहले राज्यसभा सांसद हैं इस वक्त कृष्ण लाल पवार, वो कंवरपाल गुज्जर, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, ये सब लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद। हरियाणा के अधिकांश कैबिनेट के जो लोग हैं वो इस अवसर पर मौजूद, तथा का बहुत सारे विधायक, सभी दलों के अलग अलग दलों के नेता यहाँ पर मौजूद। और अगर ये आप देख सकते हैं कि ये दृश्य जो है इस वक्त चंडीगढ़ जो मनी माजरा का शमशान घाट है, वहाँ से हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि रतनलाल कटारिया जो अंतिम यात्रा है उनकी, वो अपने मंजिल तक पहुँची है। रतनलाल कटारिया का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लंबे राजनीतिक अनुभव के अंदर उनका 1987 में विधायक बनना, 13 साल की आयु में इनके जो है इनको अवार्ड मिलना, कई इनकी लंबी पारी राजनीति की, 3 बार सांसद बनने जैसे कई कार्यक्रम इनके राजनीति से जुड़े जो है अवेयरनेस के रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो रतनलाल कटारिया के निधन के बाद बीजेपी के नेताओं में तथा अन्य कार्यकर्ताओं में शोक की लहर, तथा यहाँ पर सभी अगर देखा जाए बीजेपी के अधिकांश नेता कार्यकर्ता दुखी मन से यहाँ पर खड़े नज़र आ रहे हैं। परिवार के साथ सुभाष बराला जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, हरियाणा उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन हैं वो, तथा अनेक बीजेपी के नेता इस वक्त यहाँ देखे जा सकते हैं। ये आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष बराला जी रतनलाल कटारिया जी के निधन से निसंदेह एक बहुत बड़ा नेता खोया है समाज ने, देश ने, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी हानि पूरे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की हुई है कटारिया जी के जाने से, और व्यक्तिगत हम जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने उनके साथ काम किया है, मेरे को सौभाग्य मिला कि जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते उनको उनके साथ काम किया, तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व और सरल सुलभ व्यक्ति, चाहे वो पार्टी की बात करें या सांसद के नाते, दोनों ही भूमिका में उन्होंने हमेशा से अपना संपूर्ण देने का काम किया है। तो बहुत बड़ी क्षति उनके जाने से समाज को भी, राजनीतिक क्षेत्र को भी, व्यक्तिगत हुई है। तो देखिए, जिस प्रकार से रतनलाल कटारिया के निधन से जो सभी दुखी हैं, सुभाष बराला जी बता रहे हैं कि कितना बड़ा उनका कद और कितना बड़ा उनका रुतबा रहा है। निसंदेह रतनलाल कटारिया की जो कार्यप्रणाली थी उसको लेकर बीजेपी के लोगों में हमेशा उनके एक व्यंगात्मक अंदाज को लेकर चर्चाएं कायम रहती थी और आगे भी रहेंगी, क्योंकि उनका अंदाज सभी को याद आएगा। अक्सर जब भी कोई बड़े सम्मेलन होंगे कार्यकर्ताओं के, या कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, बीजेपी के नेताओं की मीटिंग होगी, तो रतनलाल कटारिया की कमी निसंदेह खलेगी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रतनलाल कटारिया का जो शव है वो यहाँ पर शमशान घाट में आ चुका। मनीष ग्रोवर जी जो पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ हैं कटारिया जी के निधन पर, ग्रोवर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत भारी क्षति है। जिन्होंने दलित समाज के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया, और वो हमारे नेता नीचे से उठे, एक समय खुद ही अलाउंसमेंट करते थे रिक्शा में बैठकर, जनसंघ की यात्रा के समय से खुद ही पोस्टर लगाते थे, ऐसे हमारा नेता थे। इसलिए ज़मीन से, और बेशक वो मंत्री बने, सेंट्रल में बने, स्टेट में बने, एमएलए बने, वो कभी भी अंगार में नहीं आए, नीचे झुक कर ही रहते थे और हंसमुख रहते थे, हंसते रहते थे। इसलिए पार्टी को क्षति तो है ही है, समाज में भी जो उनके सेवा करते हैं उनमें भी बहुत बड़ी क्षति है। आपके माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देता, परमात्मा परिवार को और ताकत मिले, और
ऐसा ही उनके दिखाए रास्ते पर पार्टी दलित समाज का जिन्होंने काम किया है अंतिम व्यक्ति को लेकर उस काम को और पार्टी आगे बढ़ाएगी। देखिए रतनलाल कटारिया का जाने का दुख सभी नेताओं सभी कार्यकर्ताओं में पूरा देखा जा रहा है और इस वक्त यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी नज़र आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री पहले पहुँच चुके हैं, अन्य सभी नेता यहाँ पर अंदर गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज हुआ सभी लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद। और रतनलाल कटारिया राजनीतिक लंबी पारी खेलने के बाद एक तरह से अगर आप देखेंगे इस वक्त अंतिम यात्रा उनकी जो है ये चल रही है, बीजेपी का झंडा उन पर डाला गया और इसके अलावा अगर कहा जाए पूर्णतः राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। ओम प्रकाश धनखड़ अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी का ये दृश्य काफ़ी भावुक करने वाला दृश्य है क्योंकि बीजेपी के सभी नेता उनके अर्थी को इस वक्त कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रतनलाल कटारिया की अंतिम यात्रा राजनीतिक लंबी पारी खेलने के बाद आखिरकार रतनलाल कटारिया लंबी बीमारी के बाद लगभग डेढ़ महीना पीजीआई में रहने के बाद और उससे पहले पंचकुला के अस्पताल रहने के बाद इस दुनिया से जा चुके हैं और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए देखा जाए तो पूरी हरियाणा सरकार यहाँ पर नज़र आ रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।